नंबर सेवन स्टार्ट करो. इतना बड़ा क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है. ठीक है, आप लोग ले लो, 15 मिनट्स तो ले लो. अगर नहीं हो रहा है, कहीं पे भी अटक रहे हो, तो यू ऑल कैन ऑब्वियसली रेफर टू द एग्जामिनर्स रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे वी आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टाइपिंग एंड नॉट सो मच ऑन एक्यूरेसी एंड कॉन्सेप्ट. वो आप लोग इट टाइम करना. तो अभी एक बार नंबर सेवन करो आप लोग सब, फिर हम लोग देखते हैं.
किसी का भी हुआ अभी तक?
चलो स्टार्ट करते, देखना। श्रेय, आप एक बार ही खाली एम लिखे, बाकी सब जगह एम लिखा ही नहीं है कहीं पे भी, कोई भी फंक्शन में। हर बार आपको एम लिखना आएगा जब तक आप मेल को यूज कर रहे हो, ठीक है? और यहाँ पे सब जगह एफ लिखना आएगा, एवरी टाइम यू हैव टू राइट एफ। मैम, बट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबव सॉल्विंग द सेकंड पार्ट, दैट इज द फीमेल, दैट इज द मेल, सो इज इट नॉट प्रॉपर इनफ? वो ठीक है, बट एटलीस्ट दो तीन, मतलब जो मेन मेन है वो सब में आपको एफ लिखा हुआ बेटर है। जस्ट एफ लिख दो सब में, ठीक है? हाँ नरुल, मिस्टेक हो गया? मिस्टेक हो गया कहाँ नहीं, पे? मेरा गलती से ही ओ है। अच्छा, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है ठीक है। हाँ ऋत्विक, कैन यू प्लीज चेक माय सॉल्यूशन? सबका चेक करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मेरे को तो ठीक ही लग रही है। ओके बस एम और एफ मेंशन कर देना कुछ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में एटलीस्ट।
आपका कोमल, आपका वर्किंग में कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है। टाइपिंग इज फाइन, लेकिन एक बार सम चेक करना आंसर, क्योंकि मैच नहीं कर रहा आपका। ठीक है, तो वो आप देख लेना बाद में। ओके मैम। अक्षत, ये जो हमेशा हम लोग टर्म लिखते हैं, जो एन होता है उसको हमेशा लेस देन ग्रेटर देन के साइंस के बीच में लिखते हैं, बिकॉज ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग विच यू कैन नॉट चेंज। बाकी आप सब चीज में, मतलब वी कैन स्टिल डू थोड़ा सा हाँ हाँ कि एनी हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट टू द एग्जामिनर, लेकिन एन के ऊपर जो वो बॉक्स होता है उसके लिए आपको क्रोकोडाइल साइंस देना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट इज द मोस्ट स्टैंडर्ड थिंग, तो वो चीज मेक श्योर आप करो। ठीक है, एंड आप यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट्स दिए हो, बिल्कुल भी बॉक्स ब्रैकेट्स मत देना, गलती से भी बॉक्स ब्रैकेट्स मत देना एनविटी और अश्योरेंस फंक्शंस में, बिकॉज बॉक्स ब्रैकेट्स में हम लोग ऑलरेडी सिलेक्ट के लिए यूज करते हैं बॉक्स ब्रैकेट्स, ओनली ग्रेटर देन लेस देन साइंस, नथिंग एल्स। ओके, तो ये चीज मेक श्योर कि आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करो एंड याद रखो। सब जगह सेम चीज है। बाकी इज फाइन। ऋत्विक, आपका सोल्यूशन तो आया ही नहीं है। मैम डेट इज माय माय मैम आई ओ हैव अच्छा ड्रॉइंग अच्छा प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है। तो ऋत्विक, फिर आप ही ध्यान रखना। ओके, कि हमेशा इसमें होगा। आपका यस मैम। नाम ऋत्विक है कि अक्षित है? और किसी का नहीं हुआ है या और कोई कर रहा है? इज देयर एनीवन जो अभी तक कर रहा है? तो हम लोग वेट करें उसके लिए, नहीं तो वी विल मूव ऑन। ठीक है, एक और सम आई वॉन्ट यू ऑल टू डू, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इंटीग्रेशन लास्ट क्लास भी हम लोग नहीं किए थे कोई, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 आई वॉन्ट यू ऑल टू डू। एंड 8 में एक इम्पॉर्टेंट चीज याद रख, नहीं ठीक है, हाँ नंबर 8 करो। एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखना, कुछ कुछ जगह जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या बोलते हैं, इट जस्ट सेज कि स्टेट द वैल्यूज। ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ वैल्यूज लिखना होता है। ओके, लेकिन अगर लिखा है कैलकुलेट या डिटरमाइन या फिर डिराइव, ये सब वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो वैल्यूज आप निकाल रहे हो वेरिएबल्स का, यू हैव टू शो कि वो वैल्यूज कैसे आ रहे हैं, विच मीन्स यू हैव टू शो द वर्किंग। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर डिटरमाइन, डिराइव, कैलकुलेट ये सब है, देन यू मस्ट शो द एंटायर वर्किंग एंड नॉट जस्ट स्ट्रेट अवे राइट द वैल्यूज। करो नंबर 8।
हुआ किसी का भी? भेजो सकेत अपना आंसर। हम इक्वेशन एडिटर में है तो वो तो डिफरेंट आएगा। अच्छा इक्वेशन एडिटर है तो ठीक है, आई विल स्टॉप प्रेजेंटिंग। करो प्रेजेंट करो। यस सर। मैम विजिबल है? हाँ यस मैम। खोलो उसको, थोड़ा सा जूम इन करो ना प्लीज। बस ठीक है, थैंक यू। स्क्रॉल करो। और स्क्रॉल करो। ठीक है यहाँ से। ठीक है आगे जाओ। ये सब तो थ्योरी है, फाइन। बस ठीक है, ओके, वेरी गुड। बट बस मेरे को ये बताओ कि क्या आपका स्पीड बैठ रहा है इक्वेशन एडिटर पे? आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? यस मैम, स्पीड तो हो ही जा रहा है। जैसे कि हम बहुत सारा सम्स जैसे प्रैक्टिस किए थे कि सॉल्विंग और फिर बाद में टाइपिंग, तो दोनों 2 मिनट मतलब 2 मिनट्स पर पर मार्क्स के लिए, तो 20 मिनट्स जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ तो वो हो जा रहा था। मतलब शुरुआत शुरुआत में 25-30 मिनट्स कभी कभी लग जाता, अगर अटक जा रहे थे तब फिर प्रॉब्लम हो जा रहा बट था। 20 मिनट्स आफ्टर सॉल्विंग इट ऑन पेपर, सिर्फ टाइपिंग के लिए 20 मिनट्स? नहीं, मैम पूरा इंक्लूड करके। यस तो मतलब थिंकिंग के साथ में 20 मिनट्स मैम, ना? थिंकिंग फिर सॉल्विंग और सारा वैल्यूज के साथ में। ठीक है, चलो, वेरी गुड। यस और मैम। बाकी लोग, किसी का हुआ है? सके तो प्लीज बंद कर देना स्क्रीन शेयर, थैंक यू। हाँ और किसी का नहीं हुआ? कौन कौन अभी कर रहा है करंटली? कौन कौन ट्राई कर रहा है? ओके ठीक है, बाकी लोग क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? एटलीस्ट पार्ट वन और पार्ट टू तो करो। पार्ट थ्री फिर भी काफी थियोरिटिकल है, इट्स फाइन, बट पार्ट वन और पार्ट टू करो प्लीज। भेजो 8 करके बस।
हाँ मैम मेरा होगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दे। आप भी क्वेश्चन एडिटर यूज किए हो? यस मैम। अच्छा कोमल बोलो, करो शेयर, तुम आप स्क्रीन शेयर करो, क्या हुआ कोमल बोलो। कर रहे आप स्क्रीन शेयर? यस मैम, एक मिनट बस। मैम एक बार अभी हो नहीं पा रहा है। अच्छा ट्राई करो वापस एक बार। तब तक एक बार आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू ऑल कि ये नॉर्मल कीबोर्ड नोटेशंस में कैसे टाइप। श्रेय हो रहा है स्क्रीन शेयर? नहीं मैम, हम ट्राई कर रहे हैं मैम। अच्छा करो खोलो वर्ड, दिख रहा है स्क्रीन। यस इट्स विजिबल, खोलो उसको। अपना खोल के थोड़ा जूम इन करो प्लीज। मैम आगे नहीं हो पा रहा इससे, मतलब इग्नोर दबाओ, वहां पे जो इग्नोर का बटन है एक बार एस्केप दबाओ। अब खोलो, अब इसको जूम इन करो थोड़ा सा। नहीं नहीं वो खोलने का जरूरत नहीं है, बस जूम इन कर दो वर्ड खोल के। यहाँ से नीचे में जो है राइट हैंड साइड में बॉटम राइट जूम का ऑप्शन है ना, इतना नहीं थोड़ा सा कम। स्टार्टिंग करो, नंबर 8 करो। बस ठीक है,
ठीक है, नीचे करो, पार्ट टू दिखाओ। यहाँ पे आपका एक ठो एरर हो गया है फर्स्ट लाइन में, प्लस 900 इंटू 8013/09 होगा, ठीक है, तो वो ध्यान रखना बस। एंड यहाँ पे भी 355 नहीं है, 0.355 है, बाकी ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। थर्ड पार्ट इज फाइन, थर्ड पार्ट में कुछ नहीं है, बंद करो, स्क्रीन शेयर करना। कोमल का देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 2। कोमल ये पूरे चीज को ना एक ब्रैकेट में डाल दो, नॉर्मल ब्रैकेट में, ताकि आप पता रहे कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक फुल इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, नहीं तो लगेगा खाली 0.06 को कर रहे हो, ये ब्रैकेट दे देना, ठीक है, वेरी गुड। एक और चीज, ये मतलब मोर देन अ टाइपिंग एरर, दिस इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल थिंग, कि अगर लिमिट्स में ऑलरेडी टी है तो हम लोग एक थो डमी वेरिएबल यूज करते हैं हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर ना, तो इसीलिए यहाँ पे यू लेट टी रिमेन, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ टी यूज एस, ठीक है, यस मैम, वो चीज ध्यान रखना। कंपेयरिंग ठीक है, वेरी गुड, फाइन एकदम, ठीक है, तो कोमल करके दिखाई थी कि हम लोग को कीबोर्ड नोटेशंस में कैसे यूज कैसे करना है इंटीग्रेशन, हमेशा INT लिख के ब्रैकेट्स में वी राइट द लिमिट्स, कोलोन देके फंक्शन लिखते हैं ब्रैकेट्स में, एंड जब हम लोग सॉल्व इंटीग्रल करते हैं तो हमेशा बॉक्स ब्रैकेट्स में होना चाहिए ऐसे, एंड लिमिट्स कैसे लिखेंगे, बॉक्स ब्रैकेट बंद होने के बाद कोलोन देके इन फर्स्ट ब्रैकेट्स वी राइट द लिमिट्स, ठीक है, ओके, चलो, वेरी गुड। तो आज हम लोग एक बार यहीं तक रखते हैं, आई वॉन्ट यू ऑल टू कीप प्रैक्टिसिंग, मोर और लेस जितना भी एस्पेक्ट हो सकता है CM1 में टाइपिंग का हम लोग आई थिंक डिस्कस कर लिया सब कुछ, एंड इन केस अगर आप लोग को फिर भी डाउट होता है तो यू ऑल कैन ऑब्वियसली ऑलवेज कॉन्टैक्ट एनी वन ऑफ अस, हम लोग देख लेंगे कि क्या है। So all the best all of you. Maybe closer to the exam हम लोग एक दो क्लास और रख ले final doubts and final revision के लिए, but I think अभी के लिए it's enough. अगर आप लोग को लगता है कोई भी topic आप लोग को cover करना है अभी भी typing में, anything कुछ भी, no? ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप प्रैक्टिसिंग अच्छे से।